हेलो स्टूडेंट्स, मैथ टॉप टैलेंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने गणित के अध्ययन के क्रम में एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा विकसित वर्ग 11वीं की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे और इस क्रम में वर्ग 11वीं गणित की पाठ्य पुस्तक का पहला इकाई यानी समुच्चय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम समुच्चय की परिभाषा को देखेंगे, फिर उसके प्रकार को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि दूसरे छात्रों को भी यह वीडियो प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं क्लास 11th, सब्जेक्ट हमारा मैथ है और हमारा जो हमारी पहली इकाई है वह है समुच्चय यानी सेट्स। तो सबसे पहले हम समुच्चय की परिभाषा को जानेंगे कि समुच्चय किसे कहते हैं और हम इसे बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे ताकि अगर एक बार आप समुच्चय के बेस यानी उसके आधार को समझ लें तो फिर इस समुच्चय में दिए गए प्रश्नों को हल करना आपके लिए काफी आसान होगा। तो सबसे पहले हम समुच्चय को शुरू करते हैं। तो समुच्चय की परिभाषा क्या है? तो समुच्चय की परिभाषा आप समझिए, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। तो आप परिभाषा को एक बार बोर्ड पर भी देख सकते हैं, हमने इसे लिख दिया है। समुच्चय की परिभाषा होती है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। इसमें एक शब्द है जो हमें समझना आवश्यक है कि सुपरिभाषित संग्रह। अब हम सुपरिभाषित का अर्थ समझेंगे कि सुपरिभाषित का क्या अर्थ है। तो सुपरिभाषित का अर्थ है संग्रह के लिए एक नियम होना चाहिए और दूसरा है संग्रह हमेशा समान होना चाहिए। संग्रह हमेशा समान होना चाहिए। जैसे में यदि हम कुछ उदाहरण लें, जैसे अगर कहा जाए कि सम संख्याओं का समुच्चय लिखिए, सम संख्याओं का समुच्चय लिखिए। हमें दे दिया गया कि सम संख्याओं का समुच्चय लिखिए और हमें कुछ संख्याएं दे दी गई हैं, जैसे दे दिया गया 2, 3, 4, 5, 6, 7 और पूछा जाए कि इसमें से सम संख्याओं का समुच्चय लिखिए। तो आप जानते हैं कि सम संख्याओं का समुच्चय कौन कौन सा होगा। तो आप देख रहे हैं 2 है और 2 एक सम संख्या है तो इसलिए यह सम संख्या का समुच्चय होगा। 3 एक सम संख्या नहीं है अर्थात यह सम संख्या का समुच्चय नहीं होगा। 4 एक सम संख्या है इसलिए सम संख्या का समुच्चय होगा। 5 एक सम संख्या नहीं है इसलिए यह सम संख्या का समुच्चय नहीं होगा। 6 एक सम संख्या है इसलिए सम संख्या का समुच्चय होगा और 7 चूंकि विषम संख्या है अर्थात सम संख्या नहीं है इसलिए यह सम संख्या का समुच्चय नहीं होगा। अब सुपरिभाषित का दूसरा अर्थ है कि संग्रह हमेशा समान होने चाहिए। जैसे अलग अलग व्यक्तियों द्वारा जो संग्रह प्राप्त किया जा रहा है वह बिल्कुल समान होने चाहिए। अगर वह समान है तो वह समुच्चय है, यदि वह समान नहीं है तो वह समुच्चय नहीं है। जैसे कहा जाए कि कक्षा 11 के छात्रों का समुच्चय को लिखें, तो कक्षा 11 के जो भी छात्र होंगे उनके समुच्चय को हम आसानी से लिख सकते हैं। यदि उस समुच्चय को अलग अलग लोगों द्वारा भी लिखा जाए
तो जो कक्षा 11 के छात्र होंगे वह सभी के समुच्चय के सदस्य होंगे। लेकिन यदि कहा जाए कि कक्षा 11 के बुद्धिमान छात्रों को लिखिए तो फिर यह लिखना बहुत कठिन होगा, क्योंकि कक्षा 11 के बुद्धिमान छात्रों को जब अलग-अलग लोग लिखेंगे तो हो सकता है कि उसमें कुछ अलग-अलग नाम आ जाए, सबके द्वारा लिखा गया समुच्चय अलग-अलग प्राप्त हो। अगर अलग-अलग होता है तो फिर वह समुच्चय नहीं है। तो इस प्रकार जैसे कि कहा जाए कि जंगल में रहने वाले जानवरों का समुच्चय, तो हो सकता है कि अधिकांश लोग एक ही लिखेंगे। लेकिन यदि यह कहा जाए कि जंगलों में रहने वाले सबसे खतरनाक जानवरों का समुच्चय, तो यदि अलग-अलग लोगों को लिखने के लिए दिया जाए तो उसमें सबके लिए जो खतरनाक जो जानवर होंगे वो अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए इसे समुच्चय नहीं कहा जा सकता। तो हमें उम्मीद है कि आप समुच्चय को पहचानना जान गए होंगे कि कब समुच्चय होता है कब समुच्चय नहीं होता है। जैसे यदि कहा जाए किताबों का समुच्चय, तो किताबों के समुच्चय में जो भी किताब के नाम होंगे, यानी गणित की पुस्तक, हिंदी की पुस्तक, विज्ञान की पुस्तक, तो यह सब समुच्चय होगा। लेकिन उसी में एक कुर्सी का नाम भी आ जाए तो फिर वह समुच्चय नहीं होगा। तो हमारे ख्याल से आप लोग इसे अच्छे तरह से समझ गए। अब हम समुच्चय के प्रकार को समझेंगे कि समुच्चय के कौन-कौन से प्रकार होते हैं। तो ऐसे मुख्य रूप से तो समुच्चय 4 प्रकार का होता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार इसके अतिरिक्त भी समुच्चय के प्रकार हो सकते हैं। जैसे जो पहला प्रकार है इसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय यानी इम्पटी सेट, जिसे हम फाई से दिखाते हैं, और इस सेट में कोई भी सदस्य नहीं होता है। दूसरा जो समुच्चय है वह होता है एकल समुच्चय, यानी एकल समुच्चय में एक सदस्य ही होता है। तीसरा समुच्चय होता है फाइनाइट यानी परिमित समुच्चय, और चौथा होता है इनफाइनाइट यानी अपरिमित समुच्चय। इसमें आपको परिमित समुच्चय का अर्थ यह है कि वह समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या निश्चित होती है उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं, और वह समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती है उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं।